कलीम 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 चुपके बैठी रहे, बोलने से रूह के पानियों में अरताश पैदा होता है। मैं कैसे चुप रहूं? झरना भी कभी चुप हुआ है? तुझसे तो मेरी रूह बोलती है, जैसे सितार का ऊपर वाला तार हिलाओ तो निचली तार से आपे ही सुर निकलता है। बात एक ही है, हम क्या एक दूसरे से बोले? फिर तूने इतनी देर क्यों लगाई जब तुझे इतना प्यार है मुझसे? रास्ता भूल जाता हूं मैं बस, और क्या? हमेशा रास्ता भूल जाता है तुझे। जेब में धान डाल कर जाया कर, सारे रास्ते धान गिराते जाया कर, वापसी पे रास्ता खुद ही मिल जाएगा। और अगर तेरा धान चिड़ियों ने चुक लिया तो फिर ये गुला जान और शुद्धम क्यों नहीं आए मेरे पास? मैंने मना कर दिया था। क्यों? हमेशा यही तुझसे पहले आकर लिपट जाते हैं। तो फिर? बस फिर क्या, मुझे अच्छा नहीं लगता है। शहर में ऐसी बात सुनता हूं तो गुस्सा आता है, और यहां उल्ट सुकून मिलता है ऐसी बातों से। तुम मेरे पास बाहर क्यों नहीं आई गुलाजान? इसलिए कि माँ कहती थी। क्या कहती थी? हर दम स्वाद मन रहा कर बात करो। और तू शुद्ध? माँ की बात नहीं है अब्बा, मैं सोच रहा था बैठा। भाई क्या सोच रहा था हमारा शुद्ध? तो किसी दिन मुझे अपने साथ शहर ले चल अब्बा। शहर जाकर क्या करेगा तू शुद्ध? सैर करूंगा, ट्रेन देखूंगा, बस पे चलूंगा और साइकिल चलाऊंगा। सफर की आरजू मर्द की जात के अंदर एक अजीब इंतशार पैदा कर देती है शुद्ध। हो सके तो कनात के झूले के अंदर रहना शुद्ध। आज तक जो नहीं कर सका तू कैसे करेगा बेचारे? मेरा मुंह अपनी तरफ करा कर तू क्या करेगी? मैं देखूंगी अब्बा। क्या देखेगी अब्बा? क्या क्या हाल है? किन का? मुझे दोस्त है। उनके पास तो बहुत से खिलौने होंगे अब्बा, वो तो मजे करते होंगे। जरूरी तो नहीं था शुद्ध कि जिसके पास ज्यादा खिलौने हो वो ज्यादा मजे करते हो। बटन बटन आ गया तू शहर से कलीम? जी बाबा। शुद्धम जा जरा देख, बकरियां उतराई की तरफ जा रही हैं, ध्यान कर बाहर निकलकर। मर्द अंदर रह जाए तो कौन करेगा कारोबार दुनिया का? इसको भी तो कहा कर बाबा, ये मजे करती है सारा दिन। मुझे तो टुकटा सा डर लगता है, जब ये खोलकर भागता है जा निकल जाती हूँ। बहाना बहाना, साफ बहाना,
और क्या? गुलाचंद दूध ले जा बाप के लिए। जा जा बाप के चल। उफ, के, के, के। फिर तूने बात की डॉक्टर से? की थी बाबा, लेकिन वो कहते हैं मरीज देखे बगैर मैं इलाज किस तरह कर सकता। कुछ करने को जी नहीं जाता। बकरियां चराने जाता हूं तो सोचता हूं ये सब क्या है, मैं क्यों बकरियां चराता रहूं सुबह शाम। पत्थरों पर बैठे बैठे मुझे अजीब से रंग नजर आते हैं झाड़ियों में से, रोशनी के तख्ते, चलती बुझती बत्तियां, रोशन मशले, तिरछे टेढ़े सतून शोलों के। मैं तुझे ऐनक लगवा दूंगा बाबा। तेरे लिए ये जगह कैसी है बेटा? मर गया ना कलीम, कुछ बाकी नहीं रहा दुनिया में, कुछ बाकी नहीं रहा। तुझे तेरा बाप अक्सर याद तो आता होगा ना? मैं जब बकरियां चराने जाऊं तो उसके दरवाजे के आगे रुक फिर निकलता हूं। ये रबर किसने जलाया है? रबर तूने चलाया पश्मीना? रबर कैसा रबर? देख ले चूल्हा तो ठंडा पड़ा है। जब बैठ रहा बाबा के पास फिर रात को। हेलो डॉक्टर सुमन, मैं इस वक्त आपको तकलीफ देने के लिए शर्मिंदा हूँ। आप सुबह को जितनी जल्दी भी हो सके मुझे मिलकर जाइए। जी जी जरूरी है डॉक्टर साहब, वरना मैं आपको तकलीफ क्यों देती। जी जी रात आपकी कैसे गुजरी? बहुत अच्छी। मुझे तो कभी कभी ऐसी नींद आती है। रात तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने अपनी केंचली उतार कर फेंक दी, जैसे कि यूकलिप्टस का दरख्त छाल उतार कर उसके बाद मुलायम और तनावर। आपके सर दर्द का क्या हाल रहता है अब? होता है कभी कभी, लेकिन कल रात नहीं। डॉक्टर उस्मान, मुश्किल ये है कि आलिया एक पढ़ी लिखी औरत है। उसको इस बात पर कनात नहीं है कि मेरा पद, मेरा मकान, मेरी तनख्वाह, मेरी इंश्योरेंस, ये सारी मादी चीजें उसकी हों।
वो चाहती है कि मेरी रूह, मेरी मौत, मेरा वक्त, मेरे ख्यालात, मेरी सोच, इन पर वो हुक्मरानी करना चाहती है। आप आलिया की मोहब्बत को बड़ी सख्ती से जांच रहे हैं। डॉक्टर उस्मान, मैं बीमार नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं, नहीं। लेकिन ये रात को आलिया तो चाहेगी कि मैं बीमार हो जाऊं और सारी जिंदगी उसके रहम और करम पर गुजारूं। वो तो चाहेगी कि मैं अपाच, अंधा, दोनों बाजू कटवा कर उसके सामने बेबस रहूं और वो मेरी लाठी बने और मैं सारी जिंदगी उसके ऊपर टेक लगाकर बसर करता रहूं। बट डॉक्टर उस्मान, I am not sick. I am sick of this life. आपको कभी विजुअल इंपेयरमेंट की तकलीफ हुई है कोई? क्या? जैसे कमरे में रोशनी नजर आने लगे, रंग नजर आने लगे, जैसे आपके इस कमरे के कार्नस पर वो जो लेला है, वो जो लेला है वो एकदम जानदार होकर उछलता कूदता दिखाई देने लगे, पर्दे छोटे छोटे हो जाएं, कमरे में से अजीब किस्म की खुशबुएं आने लगे, ऐसी सेंसेशंस कोई देखिए प्लीज। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। I want to help you. तो साहब, मुझे कुछ कागजात अपनी स्टडी में देखने। आप मेरे जिम्मे में कोई तरफ तो ना कीजिए। थैंक यू। एनी यूज? कोई नहीं। कॉपरेट तो करते ही नहीं है। एक कैफियत कब से? कई सालों से है डॉक्टर साहब। दरअसल होता इस तरह से है, कभी कभी रात के किसी पहर रात को जब मैं उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कमरे में मौजूद नहीं है। इसी खौफ के मारे में रात को जीरो का बल्ब जलाकर सोती हूँ। फिर मैं उन्हें छू कर देखती हूँ, जिसम बर्फ की तरह ठंडा होता है, जैसे खुदा ना खास्ता। आपने कभी उन्हें इस हालत में जगाने की कोशिश की? जी हाँ, एक बार जगाया था, बट ही रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज मी। ये मामला क्या है डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है कि ये कोई आम किस्म का डिसऑर्डर है, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये आपकी इमेजिनेशन हो, और ये भी हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो या मेंटल डिसऑर्डर हो किसी किस्म का। इन्हें किसी किस्म की हेलुसिनेशंस तो नहीं होती हैं? मुझसे तो उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। कॉन्स्पिरेसी हो रही है मेरे खिलाफ। हम आपकी मदद करना चाहते हैं कलीम साहब। क्यों ना मैं आपको अपने साथ गाड़ी में ले चलूं और रास्ते में ड्रॉप करता जाऊं? श्योर, यस कोर्स, थैंक यू। अच्छा तो फिर इजाजत है बेगम कलीम। थैंक यू डॉक्टर उस्मान। ओके, थैंक यू। आइए, चाबी ले, गाड़ी में बैठे, मैं अभी आया। अच्छा प्लीज जरा जल्दी आ जाइएगा। आली, कई ऐसी वारदात भी होती हैं जो हवा की तरह नजर तो नहीं आती लेकिन होती। कैसी वारदात? तुम दरअसल एक पढ़ी लिखी औरत, और तुम्हारा इमोशनल सेल्फ इतना परागिंदा हो गया है कि तुम
जज़ब करने की कुव्वत तो रखती हो लेकिन किसी चीज में समो जाने की ताकत तुम्हारे पास नहीं। औरत को मर्द की जिंदगी में उतना ही दखल होना चाहिए जितना पकवान में नमक। ज्यादा नमक जहर होता है। तुम जो जी चाहे कहो, जिस तरह से कहो, लेकिन मुझसे बात करो खुदा के लिए। तो ये मैं क्या कर रहा हूं? ये तो एक्विजिशंस है, इल्जामात है। आलिया, मर्द की मोहब्बत एक गहरे समुंदर की तरह होती है। इसके अंदर दरिया तो मिलते ही हैं, वो नए पानियों से भी प्यार करते हैं और पुराने पानियों से। इसी में उसकी वुसत की दलील, इसी में उसकी बढ़ाई। औरत एक झील, खड़े पानी की झील, बुरा ना मानना, लेकिन झील और समुंदर में यह फर्क हमेशा रहेगा। मुझे हरदम आवाजें आती रहती, देखता नहीं। सुन करीम, जरा सुन, फिर वो आवाज आई। फरिश्ते आ रहे, देखता नहीं। फरिश्तों के सरों पर हीरों के ताज। तुम्हारा बाप भी साथ है कलीम। दीने 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 मैं तुझे शहर ले चलता हूं, डॉक्टर को दिखलवा लो। पश्मीना कहती है बाबा तुझ पे जिन भूत का साया हो गया है। बैठा बैठा हवा से बातें करने लगता। कली बाबा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी दो जगह पे रहे एक ही वक्त? मैं अपने यार दीने के पास भी चला जाऊं और पश्मीना बेटी के पास भी रह जाऊं। काश ऐसा ना हो बाबा। पश्मीना, ख्याल आ गया तुझे? मैं बाबा को शहर ले जाता हूं। एक डॉक्टर है, बड़ा नामी ग्रामी, उसे इसकी नब्ज दिखवाता हूं। इसे बैठे बिठाए पता नहीं क्या हो जाता, दिमाग पर असर हो गया इसके। तू जो चला जाता है शहर, पीछे नाता ही टूट जाता है। अब बाबा को भी ले जा साथ अपने, ये कसर रह गई है। मर्द एक ही वक्त दो जगह तो नहीं हो सकता ना पश्मीना। मैं चला भी जाऊं, होता तो तेरे पास हूं। तू अगर मर भी गया ना तो भी मेरे ही साथ रहेगा, ये मैं जानती हूं। तेरा अपना तो कोई वजूद है नहीं कलीम, तू मेरे ही नाम का एक हिस्सा है। फिर तू कैसे जुदा हो सकता है मुझसे? तू यहां से विदेश जाए, यहां रहे,
मेरे पास हो, चाहे कहीं और चला जाए, कोई अलहदा हो सकता है तो मुझसे। फिर तुम मुझे शहर जाने से क्यों रोकती है? बस जुदाई बुरी लगती है तो याद आता रहता है। पापा को शहर ले जाने दे मुझे, डॉक्टर को इसे दिखाओ। डॉक्टर कोई आई को टाल देगा, मौत और मोहब्बत तो किसी के बस की चीज ही नहीं कली। ये तो अल्लाह के हुक्म की तरह अटल फैसले हुआ करते हैं। कलीम कलीम इधर आना, ये रबड़ किसने जला दिया? शुद्धम खबरदार अगर साइकिल का रबड़ लेकर आया घर। बाबा जी की तबीयत अब कैसी है? बाजी कौन से बाबा जी? आप बता रहे थे ना कि शुद्धम और गुलाजान के नारायण बीमार हैं। हाँ, वो बाबा जी। बीमारी क्या है? कोई ब्रेन फीवर किस्म की चीज है, अजीब अजीब चीजें नजर आती हैं उन्हें। कैसी चीजें बाजी? कभी रोशनी के तख्ते, जलती मछली, जलते बुझते चिराग, कभी वो फरिश्तों से बातें करने लग जाती, कभी आवाजें देनी शुरू कर देती। मेरे अब्बा जी, आप हमें उनके पास ले चले ना किसी रोज, हम शुद्धम और गुल्ला जान से भी मिल लेंगे, वो हमें पसंद करेंगे ना अब्बा जी। क्यों नहीं पसंद करेंगे बेटे, बच्चे तो हमेशा एक दूसरे को पसंद करते, अगर उनके दरमियान बड़े ना आदम के। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं गुलाजान और शुद्धम। हम दोनों से भी ज्यादा। ये मैं कैसे बता सकता हूं बेटे, इसका तो कोई अभी तक पैमाना ही ईजाद नहीं हुआ। आप कहां जा रहे हैं अब्बा जी टाई शाई पहन के? तुम दोनों खेलो, मैं डॉक्टर उस्मान के पास जा रहा हूं। आज आपकी तबीयत कैसी है कलीम साहब? मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं डॉक्टर साहब, इसीलिए मैं आज खुद आपके पास आया हूं। विद प्लेजर मिस्टर फ्रांस। जी सर। प्लीज आइए जी, आइए प्लीज आइए, उधर बैठते हैं, आइए। थैंक यू, यहां आप रिलैक्स होकर बैठ जाए। थैंक यू जी। बहुत देर मैंने कोशिश की कि मैं किसी से इस बात का जिक्र ना करूं, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा के फौत हो जाने के बाद मैं यहां रह नहीं सकूंगा, और इतना बड़ा बोझ मैं अपने सीने पर लाद कर जाना नहीं चाहता। फरमाइए प्लीज। मेरी एक बीवी और दो बच्चे और हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? वो यहां नहीं रहती,
गांव का मुझे पता नहीं, उनके खानदान का मुझे इल्म नहीं, बस मैं वहां पहुंच जाता हूं जैसे चूल्हे के अंदर जलती हुई आग का धुआं बहुत दूर तक पहुंच जाता है। आप कैसे पहुंचते हैं वहां? कभी कभी रात के वक्त, साल बाद, महीने, कभी कभी हर रोज, लगातार हफ्ते भर, जब मैं सोता हूं तो मुझे यूं महसूस होता है कि इस गली में, इस गोश्त पोस्त के कलीम में से एक असली कलीम होता है, इसके पांव में कोई मजबूरी नहीं जो किसी जंजीर से बंधा नहीं हो। वह हवा से भी हल्का और खुशबू से भी ज्यादा लतीफ कलीम होता है, वो इस वजूद से उठता है और हवा की लहरों पर तैरता हुआ पश्मीना तक पहुंच जाता है। किसके पास? पश्मीना, मेरी बीवी, उसे मैंने किसी हमदर्दी या मजबूरी या जरूरत के तहत नहीं चुना, बस वो मेरी बीवी है, हम एक दूसरे से यूं मिलते जैसे हवा का एक झोंका दूसरे झोंके से मिलता है, बिना मतलब, बेसाख्तगी के साथ। आप मेरी बातों पर यकीन कर रहे हैं? जी जी कलीम साहब, मैं आपकी सब बातें बड़े ध्यान बड़े गौर से सुन रहा हूं। प्लीज प्लीज। फैसला हो जाएगा बहुत जल्द, फिर मुझे आलिया पे तरस आता है। डॉक्टर साहब जी, क्या ये मुमकिन है कि मैं ख्वाब में अपने दूसरे असली वाले घर जा सकता हूं? हकीकत में देखिए कलीम साहब, दिमाग में कई बार ट्यूमर हो जाते हैं जो बड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। आदमी न सिर्फ एलुसिनेशन का शिकार हो जाता है बल्कि कई बार इससे कई किस्म के और नतीजे निकलते हैं, डिजास्ट्रस किस्म के। मैं समझता हूं कि आपकी एलिमेंट का ताल्लुक मेंटल हेल्थ से भी हो सकता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी से भी हो सकता है, या शिज़ोफ्रेनिया से भी हो सकता है। बहर खैर, मैं फिर कहूंगा कि आपको मेडिकल एड का सहारा लेना होगा। मैं आपको कह रहा हूं इसका बीमारी से ताल्लुक नहीं। मैं फक्त महसूस कर मेरे दिल पे पहुंच, मुझे आलिया से बातों का जिक्र करना चाहिए, शायद वो मेरे नुक्ता नजर को समझ ना सके। नहीं,
मेरा ख्याल है वो तो आपकी बेहतर तौर पर मदद कर सकती हैं। शायद वो इसे मेरी बेवफाई पे महमूल कर, वो मुझे नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि वो बड़ी पढ़ी लिखी और समझदार खातून है, ख्वाब की औरत से वो इस कदर भला क्यों चिड़ेंगी। आप प्लीज ऐसा कीजिए, किसी दिन मुझे रिंग कीजिए, मैं डॉक्टर सखावत के साथ मिलकर आपके एक्सरे लूंगा, अगर हम दोनों की तसल्ली हो गई तो फिर। मेहरबानी आपकी, तुम एक वक्त में दो औरतों से कैसे मोहब्बत कर लेते हो? जैसे जैसे तुम एक वक्त में हामिद और राहत के साथ प्यार कर लेती हो। ये और बात है, वो भी और बात है। तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, मैं जानती हूं। पहले पहल तुम बैठे बैठे ख्यालों में कहीं गुम हो जाते थे, तुम्हारे ख्यालों की रानी कोई और थी हमेशा। फिर रफ्ता रफ्ता इस फरार ने एक और सूरत इख्तियार कर ली। ये ख्वाबों की मलिका जिसका जिक्र तुम कर रहे हो, ये तुम्हारे अपने जहन की पैदावार है, तुम्हारे फरार की राह है। तुम मुझसे फरार होकर उसकी आगोश में बना लेते हो। मैं जानती हूं, जानती हूं, जानती हूं। वफा करना मेरे बस में होता तो मैं हमेशा तुम्हारा वफादार रहता। हालिया, तुम उस ख्याली महबूबा की खातिर एक बसे में घर का सुकून तबाह कर रहे हो। मुझे, हामिद को, राहत को अजियत के हवाले कर रहे हो। कौन जाने क्या सच है और क्या झूठा। कौन जाने कि जब हमारी आंख किसी दूसरे जजीरे या किसी दूसरे सैयारे पर खुले तो ये जिंदगी, ये कुर्राए अर्ज की जिंदगी एक नन्हे और उछटते ख्वाब की तरह बेमानी नजर आए। कौन जाने कि वो असली है और ये ख्वाब, या फिर ये असली और वो ख्वाब। इसका तस्फिया करना बहुत मुश्किल है मेरी जान। कलीम, कलीम, तुम इलाज करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। खुदा के लिए मेरे साथ अस्पताल चलो। तो मेरी हालत का कोई भी इंटरप्रिटेशन हो, कहो कि ये फरार है, ये बेवफाई की आरजू का मुंजमद होना है, डॉक्टर उस्मान कहे कि ये ब्रेन फीवर है, माहिर कहे कि ये स्प्लिट पर्सनैलिटी है, हेलुसिनेशन है, जो मर्जी कहो, लेकिन मैं बताना अपना ये फर्ज समझता कि जिस सतह पर जिस्म जिंदा रहता है उस सतह पर इंसानी रूह का मुकाम कभी तो होता है, कभी नहीं होता। राहत का क्या बनेगा? हामिद के मुतालिक तुमने क्या सोचा है? मुझे गोली मारो, मैं तो पराई बेटी हूं, लेकिन इनका क्या बनेगा? ये तो तुम्हारी अपनी औलाद है। बच्चे तो जज्बा तखलीक की औलाद होती है,
उन्हें तो तहफ्फुज़ और बका के फरिश्ते परवान चढ़ाते, हम कौन होते हैं उन्हें अपनी मलकियत में लेने वाले। मेरा क्या ताल्लुक है इन बच्चों से? कलील, क्या सोच रहे हो तुम? कलील, मैं आलिया बुला रही हूं तुम्हें। कलील, कलील, तू रो रही, क्या हुआ? अब आया है तू शहर से लौट कर, बाबा तो तेरी राह देख देख कर चला भी गया। चल लौट जा शहर, छोड़ जा हमें। मत बोल पश्मीना, चुप रह। तूने भी बोलना शुरू कर दिया तो फिर मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी जहां मैं आराम से जाकर बैठ सकूं, ठंडी हवा से बातें करूं। कली, बाबा चला गया हमें छोड़कर। कली, मेरा बाबा चला गया, बाबा चला गया मेरा। जाने दे, मत कर उसकी राख खोटी। आंसू जंजीर होते, बांध लेते आदमी को। मत बांध मुझे किसी जंजीर के साथ। अब मैं अकेली क्या करूंगी? तू तो अपने शहर चला जाएगा। मैं जानती हूं तुझे अपने डेरे से शहर अच्छा लगता है, पर शहर वाले कहते हैं तू यहां होते हुए भी कहीं और चला जाता है। कली, वादा कर तू अब कहीं नहीं जाएगा। क्या वादा करने को? दूसरे से किया हुआ वादा टूट जाता है, अपने दिल से किया हुआ वादा कभी नहीं टूटता। चुप रह। देख तो कली, मैं बुलाती हूँ ये बोलता ही नहीं। ऐसा संदीप तो पहले ना था बाबा। मग में गर्म पानी डाल दूं शेव के लिए? दफ्तर नहीं जाऊंगा आज, बहुत थकान है मुझे। थकान? रात कब्रिस्तान दूर था और गांव के लोग बहुत दूर तक मुझे कंधा देना पड़ा। सुर्ख थी कब्रिस्तान की मट्टी आलिया। कंधा देना पड़ा किसे? कौन सा कब्रिस्तान? देख आलिया, मेरे बूटों को देख। मैं झूठ नहीं कहता था, कब्रिस्तान की मट्टी सुर्ख थी। मैंने बाबा जान को जब लहद में उतारा,
टीका ले। नहीं कहता था। वो मेरा इंतजार करेगी अब। बाबा जान के जाने के बाद क्या बनेगा उसका? ये कैसी अजीब और गरीब मट्टी है, कहां से पड़ी आपके जूतों पर? मैं कहता नहीं था तुझे, वहां पश्मीना है। मेरे तो बच्चे हैं, मेरी रूह और तमन्नाओं के जानशीन शुद्ध अकुला जान पश्मीना और मैं दो नहीं है, एक ही आवाज की बास कश्त है दोनों। I'm sorry. कह दो, सब कुछ कह दो, कम से कम मुझे दोहरा अजाब तो ना हो। दोहरा अजाब? हाँ, एक अजाब तो ये हुआ कि तुम पश्मीना को मुझसे ज्यादा चाहते हो, और दूसरा अजाब ये कि तुमने ये बात मुझसे छुपाए भी रखी। पानी ला दो। लो क्लीन, पानी पी लो क्लीन। परस्ती और ज़ईफ़ुल इत्तेक़ादी से काम न लें बेगम कलीम। मैं समझता हूं आपके लिए यह सदमा बर्दाश्त करना किस कदर मुश्किल है, लेकिन अगर आप इन लाइंस पर सोचना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि आपकी अपनी थिंकिंग खराब हो जाएगी। तो फिर मैं क्या सोचूं? आपकी तरह ये तय कर लूं कि उनके दिमाग में कोई ट्यूमर था, या इस बात पर ईमान ले आऊं कि उसने मुझसे फरार हासिल करने के लिए इतने जतन किए कि बिलाखिर वो अंदर ही अंदर सांस रोक कर मर गया। देखिए, उनके मरने का रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप अपने बच्चों को सिर्फ यही बताइए कि उनके अब्बा ब्रेन ट्यूमर के मरीज थे, ताकि कम से कम स्कूल जाकर
उन्हें अपने हम जमातों को यह बात बताने में आसानी हो। वैसे मेरी दानिश में तो वो ब्रेन ट्यूमर के मरीज ही थे। शायद आप ठीक कहती हैं, लेकिन सदियों से कुछ ऐसी हैरान कुन बातें, कुछ ऐसे माफूकुल फितरत वाकयात, कुछ ऐसे हैरत अंगेज हादसे होते चले आए हैं कि जिनका कोई जवाब हमारे पास मौजूद नहीं। इंसानी रूह के तजुर्बात भी हवा की तरह होते हैं, ये दिखाई थोड़ी जा सकते हैं। माफ कीजिएगा, आप तो इस वक्त बिल्कुल कलीम साहब के अंदाज में सोचने लगी हैं। मैंने हथेली खोल दी है कलीम, मोहब्बत का पारा मुट्ठी भींचने पर उंगलियों की दर्जों से निकल जाता है। अब हथेली खुली है तो ऐसा लगता है जैसे तुम यही कहीं हो।